हमारे जीवन में हम कई बार खुद को मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह सही है या गलत, और उस फैसले का हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा, क्या वह खुशी लाएगा या परेशानी। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के लिए सुझाव नहीं होते हैं और हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और उन निर्णयों के कारण हमारा जीवन सुखी हो सकता है या नरक से भी बदतर। इसीलिए सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे ले और निर्णय लेने का सही तरीका क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। उसके ज्ञान के बारे में बहुत चर्चा थी, वह बहुत ज्ञानी था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए आते थे। जब भी भिक्षु किसी की समस्या सुनते थे तो वे बहुत ध्यान से सुनते थे और उसमें डूब जाते थे, और उसके बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर देते थे और समस्या के बारे में ध्यान से सोचने लगते थे, फिर उसका समाधान करते थे। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे वे हर समस्या का समाधान करते हैं। युवक की यह बात सुनकर भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन युवक ने जो कहा उसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने पूरे घर में अकेली रहती थी और उसके पास कोई नहीं था। उस राज्य से होकर चार दोस्त अपने घर जा रहे थे। उन्होंने दूसरे शहर में काम करने के बाद पैसे इकट्ठे किए थे। कोई साधन नहीं था, इसीलिए वे पैदल यात्रा ही कर रहे थे। उन चारों ने अपने पैसे एक छोटी सी गठरी में रखे थे। फिर चारों दोस्तों में से एक ने कहा कि दोस्तों, इस तरह अगर हम अपना पैसा अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है, क्यों ना हम अपना सारा पैसा एक बंडल में रख दें ताकि हम सभी इस पर ध्यान दे सकें और अपना पैसा भी सुरक्षित रहेगा, और जब हम अपने गांव पहुंचेंगे तो उसमें से अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। उन तीनों दोस्तों ने युवक की बात मान ली और उन सभी ने मिलकर अपना पैसा एक बंडल में रख दिया। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन चारों दोस्तों को रात में रुकने के लिए एक जगह की जरूरत थी, इसीलिए उन चारों दोस्तों ने एक योजना बनाई कि आज रात उसी घर में रहा जाए। उन्होंने उस घर में प्रवेश किया। एक दोस्त ने बुढ़िया को हाथ जोड़कर कहा, माँ, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई और अब हम इतनी रात को यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम एक रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बुढ़िया ने बहुत देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। उसके बाद उन चारों दोस्तों ने पैसों का बंडल बुढ़िया को सौंप दिया और कहा, माँ, अब तक हमने जो भी पैसे कमाए हैं वे सभी इस बंडल में हैं, और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों की तुलना में आपके पास अधिक सुरक्षित है। हम बस इतना चाहते हैं कि हम चारों में से कोई भी आपसे पैसे लेने आए तो आप उसे गठरी तब तक मत देना जब तक हम चारों मिलकर गठरी लेने ना आए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जब तुम चारों गठरी लेने आओगे तभी मैं तुम्हें यह गठरी दूंगी। वे आश्वस्त हो गए
कि अब उनका पैसा सुरक्षित है और वे सोने के लिए चले गए। अगली सुबह उन चारों दोस्तों में से एक ने सोचा, क्यों ना ये सारा धन मैं ही प्राप्त कर लूं। उसने एक योजना बनाई। उसने उन तीन दोस्तों को कहा कि मैं तुम तीनों के लिए पानी लेकर आता हूँ। और वह उस बुढ़िया के पास गया और कहा, हम अब यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हमारा धन दे दे। बुढ़िया ने कहा, जब तक तुम चारों साथ में न हो तब तक यह पोटली मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी उसने उन तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा दोस्त हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए उसने पूछा है। उन तीनों दोस्तों ने युवक को इशारा किया और कहा, हाँ हाँ ठीक है, इसे ले आओ। बुढ़िया को यह देख लगा कि अब वे चारों यहाँ से जा रहे हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, तो बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस युवक के हाथ में रख दी और वह युवक उस पोटली को लेकर वहां से भाग गया। फिर कुछ देर बाद वह तीन युवक उस बुढ़िया के पास आते हैं और पूछते हैं कि हमारा दोस्त जो यहाँ पानी लेने आया था वो कहाँ गया। क्या वो पानी लेने आया था? वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया हमारे पैसों की गठरी हमें दे दे। वे तीनों युवक कह रहे थे कि हमने कब आपसे गठरी मांगी, हम तो आपसे उसे पानी देने के लिए कह रहे थे। बुढ़िया ने कहा, लेकिन अब तो वह पोटली लेकर चला गया है। और फिर तीनों दोस्त रोने लगे। वे अपना सिर पकड़ते हैं और कहते हैं, माँ इसमें हमारा कमाया हुआ सारा पैसा था और वह उसे अकेले ही लेकर भाग गया। इसमें सारी गलती आपकी है। हम राजा के पास जाएंगे और आपकी शिकायत करेंगे। इस मामले पर फैसला केवल राजा ही लेंगे। तीनों युवक क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंचते हैं और उनसे अपनी सारी समस्याएं ताजा करते हैं। बता दें कि राजा उन तीनों युवक की बातें ध्यान से सुनते हैं और वे तुरंत उस बूढ़ी महिला को दरबार में आने का आदेश देते हैं। और राजा बुढ़िया से कहते हैं कि यह आपकी गलती है और अब आपको उन तीनों युवक को पैसों का भुगतान करना होगा, उन्हें उनका पैसा वापस देना होगा। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें, दया करें। लेकिन राजा उस बुढ़िया की बात नहीं सुनता। वह बुढ़िया रोती हुई अपने घर चली गई। जब वह अपने घर की ओर जा रही थी तब बुढ़िया को वही साधु मिला जो सबकी समस्याओं का समाधान निकालता था। बुढ़िया ने सारी बात साधु को बताई और कहा कि इसमें मेरी गलती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब वे चारों एक साथ आए तभी मैं उन्हें पैसों का बंडल दूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब हो गई कि मैंने वह पैसों का बंडल एक ही व्यक्ति को दे दिया और वह उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। साधु ने बुढ़िया से कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। वह अपनी आंखें बंद करके उस समस्या का समाधान सोचने लगा और बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं कि राजा का फैसला गलत है। साधु के इतना कहते ही बुढ़िया सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। साधु ने कहा कि राजा से कह दो कि आपने गलत फैसला लिया है। बुढ़िया ने हिम्मत जुटाई और डरते डरते राजा को कहा कि आपका फैसला गलत है। राजा को गुस्सा आया और बुढ़िया से पूछा, वह साधु कौन था जिसने राजा के फैसले को गलत बताया। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि अगर वह साधु सही निर्णय नहीं देगा तो उसे मृत्युदंड दे दो। साधु को राज दरबार में लाया गया। साधु से राजा ने पूछा
कि आपको क्यों लगता है कि हमारा फैसला गलत है। साधु ने नम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, वादे के अनुसार गठरी उन चारों को एक साथ दी जाएगी। अभी तो वे तीन ही हैं। चौथा युवक कहाँ है? चौथे युवक को यहाँ ले आओ, फिर ही उनके पैसे वापस किए जाएंगे। वादे के अनुसार जब तक चारों युवक एक साथ नहीं होंगे, उनके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। पहले इन तीनों युवकों से कहिए कि वे अपने चौथे दोस्त को यहाँ ले आए और अपने पैसे ले जाए। राजा भिक्षु के इस निर्णय से पूरी तरह सहमत थे। राजा ने तुरंत उस भिक्षु के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, आपका यह निर्णय इतना सही कैसे हो सकता है? मैंने इसके बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचा? तभी साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पास करने के लिए और भी काम है। आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि आपने इस मामले के बारे में सुना और समझ लिया, लेकिन आपने इसे देखने में गलती कर दी। आपने इसे सिर्फ सतही तौर पर देखा और गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। अगर आपने इस मामले की गहराई को देखा होता तो आप अब तक इस नतीजे पर पहुंच चुके होते। जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, हम उसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए यदि आप सही और सटीक निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा। आपको चुपचाप सोचना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ही समस्या के कई समाधान आपके सामने उभर कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन निर्णयों का समाधान कैसे किया जाना चाहिए।